आप देख रहे हैं नीलमास कुकिंग। तो आज हम बनाएंगे सैंडविच। तो हम दो तरह के सैंडविच बनाएंगे। तो देखिए उसके लिए हमने चीज़ें ले ली हैं, प्याज, टमाटर, टोमेटो केचप, ये हमारा नमक, ये काली मिर्च, ये हमारी ब्रेड और ये स्मैश्ड पोटैटो की सब्जी। जब मेरे यहाँ सब्जी बच जाती है कभी आलू की, तो मेरी मम्मी मुझे ऐसे ही सैंडविच बना के खिलाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम ऐसे ब्रेड ले लेंगे, अब हम उस पर लगाएंगे थोड़ा सा केचप। तो ये अब हम लगाएंगे इसमें ये पोटैटो की सब्जी, अच्छे से फिल कर देंगे। अब हम इसमें टोमेटो के पीसेस लगाएंगे, ऑनियन के पीस लगाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा नमक और ये काली मिर्च हम ऊपर से ऐसे डाल देंगे। हमने डाल दिए, अब दूसरी ब्रेड लगा दीजिए। दूसरी ब्रेड में भी हम थोड़ा सा केचप लगा देंगे। अब इसे इसके ऊपर लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा सैंडविच बनके तैयार हो गया। ऐसे ही हम सारी सैंडविच बना के रख लेंगे। तो अब हम दूसरा वाला सैंडविच बनाएंगे। इसमें हमने टोमेटो केचप लगा लिया है। अब टोमेटो के और ऑनियन के पीसेस रखेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालेंगे। तो हमने एक पोटैटो वाला बनाया था और दूसरा अब हमने बिना पोटैटो वाला बनाया है। आप भी दोनों तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। अब ऐसे ही हम बाकी के बना के भी तैयार कर लेंगे। तो अब हम इन्हें तवे पर रखकर अच्छे से सेंक लेंगे। और हमने इन पे एक तरफ घी लगा दिया है, अभी हम दूसरी तरफ भी घी लगाएंगे। ऐसे हम घी लगा के ना अच्छे से सेंक लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये काफी अच्छा सेक चुका है। हम इसे ऐसे पलट देंगे, दोनों तरफ से हमें बढ़िया से इसे सेक लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसे अच्छे से सेक लेना है। अच्छे से ध्यान से सेकिए वरना आपका हाथ में कुछ हो ना जाए, इसलिए अच्छे से सावधानी से इसे करिए। बहुत हम सब जानते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी, इसलिए हर चीज ध्यान से करनी चाहिए। स्पेशली गैस का काम तो ध्यान से ही करना चाहिए। तो ये हमारा काफी अच्छा सेक चुका है, आप देख सकते हैं। फिर भी हम इसे थोड़ा और सेक लेंगे। तो ये हमारा सैंडविच बन चुका है, हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम दूसरा वाला सैंडविच सेक लेंगे। ये हमने रख दिया, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे। ये हमने घी भी लगा दिया, अब इसे सेकने जाने दें। तो आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा वाला सैंडविच भी सेक चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सैंडविच बन के तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सैंडविच रेडी हो चुके हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, ये सच में बहुत ही क्रिस्पी है। चलिए तो मैं आपको इन्हें काट के दिखाती हूँ, चलिए देखते हैं।
वाओ, ये अंदर से कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरा मन कर रहा है मैं अभी सारे खा जाऊं, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं सैंडविच। तो आप इस तरीके से है सैंडविच बना सकते हैं। मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। ये वाला देखिए कुछ इस तरीके से। अरे ये निकल गया, आई एम सॉरी। कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है। तो ये हमारे सैंडविच बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।